यह जीवन अद्भुत है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा राज यह है कि तुझे मिली हुई सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तुझे यह जीवन में जो भी चीजें उपलब्ध हुई है, जो भी चीजें मिली है, वो सारी धीरे धीरे कम होती जा रही है, सारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जाग कर जीना, सोचना, मुझे शरीर मिला लेकिन शरीर धीरे धीरे क्षीण होते जा रहा है। कल जो शरीर में ताकत थी वो आज नहीं है, आज जो शरीर में ताकत है वो शायद कल ना होगी, शायद 5 साल बाद आपके शरीर में इतना सौष्ठव ना होगा, इतनी ताकत ना होगी। आज आप आराधना मस्ती से मजे से कर सकते हो, 5 साल बाद कर सको उसकी कोई गारंटी नहीं है, और निश्चित % ये गारंटी है कि धीरे धीरे आपका शरीर क्षीण होते जाएगा। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि बराबर समझ लेना, जीवन का सबसे बड़ा राज यह है कि तुझे जो भी मिला है धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। शक्तियां धीरे धीरे खत्म होगी, शरीर धीरे धीरे खत्म होगा, शब्द की ताकत धीरे धीरे खत्म होगी, सब चीज धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि समझ लेना तेरे हाथ में, उसका उपयोग करना या उसको ऐसे ही खत्म कर देना, तेरे हाथ में, तुझे तय करना है, तुझे निर्णय करना है कि तुझे जो भी चीज मिली है उसका उपयोग करना है या ऐसे ही व्यर्थ गंवा देना है। कुछ भी बचाया जा नहीं सकता, बराबर समझना। अब लाख कोशिश कर लो, अब ऊपर से नीचे गिर जाओ, एक चीज आप बचा नहीं सकते, सारी चीजें धीरे 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 खत्म होते जा रही है। जब से हमारा जन्म हुआ दूसरे दिन से धीरे 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 हमारा समय कम होते जा रहा है, हमारी शक्तियां कम होते जा रही है, हमारे शब्द कम होते जा रहे हैं, हमारी शारीरिक ताकत कम होते जा रही है, धीरे धीरे सब कम होते चला जाएगा। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि पछताना ना हो तो उपयोग कर ले, जो भी तुझे प्राप्त हुआ है, जो भी तुझे मिला है, जो भी तुझे हासिल हुआ है, शायद तेरे पुण्य की वजह से, शायद देव गुरु के आशीर्वाद की वजह से, शायद तेरे भाग्य की वजह से, शायद कोई अच्छे संयोगों की वजह से, जो भी तुझे मिला है उसका सदुपयोग करते जा। सदुपयोग नहीं करेगा तो ऐसे ही वो निरर्थक तो होना ही है, व्यर्थ तो जाना ही है। एक चीज दिमाग में बराबर बिठा लेना, आपको मिली हुई जितनी भी चीज है वो खत्म तो होगी, ऑप्शन 2 है आपके पास, या तो उसका सदुपयोग कर लो या तो उसको व्यर्थ जाने दो। 2 ही चीजें आपके हाथ में, आप चाहो तो उसका सदुपयोग कर सकते हो और आप चाहो तो उसको व्यर्थ गंवा सकते हो। अब व्यर्थ गंवाना जीवन को या उसका सदुपयोग करना आपके हाथ में, आपकी शक्ति को व्यर्थ गंवाना या उसका सदुपयोग करना आपके हाथ में, आपकी संपत्ति को व्यर्थ गंवाना या उसका सदुपयोग करना ये आपके हाथ में, आपके शब्दों को व्यर्थ गंवाना या उसका सदुपयोग करना ये आपके हाथ में, बराबर समझ लेना। यह जीवन में जितनी भी चीजें आपको मिली है उसका सदुपयोग भी हो सकता है और व्यर्थ भी गंवाई जा सकती है, आपको तय करना है आपको क्या करना है, क्या चाहते हैं। और धर्म वही जो आपको यह समझा दे, जो आपको यह सिखा दे, जो आपको यह बता दे कि भाई तुझे जो भी मिला है उसका सदुपयोग कर दे, व्यर्थ तो जाएगा ही। और मैं तो कई बार कहता हूं कि भोग की भी लिमिटेशंस है, आप कितना भोग भोग सकते हो, आप कितना कुछ अपने लिए कर सकते हो, अपने लिए कितना बहा सकते हो, अंत में सब थकना ही है, अंत में सब हारना ही है, अंत में सब निराशा ही हाथ रखती है और कुछ मिलता नहीं। व्यर्थ में आप चाहे कितना दौड़ लो, व्यर्थ में चाहे आप कितना गंवा लो, व्यर्थ में चाहे आप कितना चीजों को वेस्ट कर दो, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि आनंद तो सदुपयोग करके ही आता है। हमें जो मिला है आप किसी को सांत्वना के 2 शब्द कहेंगे या किसी के साथ आधा घंटा माथापच्ची करेंगे, आपको आनंद वो 2 शब्द में आएगा, उसमें तो थकना है। किसी के साथ आपने 1 घंटा लड़ाई कर ली,
एक घंटा आप बोले, एक घंटा आप चिल्लाए, एक घंटा आपने क्रोध कर लिया, ये भी हुआ, एक घंटे आपको बोलना पड़ा, और किसी के साथ एक घंटा आपने प्यार से बात करी, किसी को समझाया, किसी को प्रेरणा दी, किसी को मार्गदर्शन दिया, किसी को अच्छी जीवन की बातें बताई, ये भी एक घंटा बोलना हुआ। लेकिन जब आप लड़ाई करोगे वहां आपका थकना होगा, और यहां आपका थकना नहीं होगा, यहां आपको भीतर से आनंद मिलेगा। बराबर समझना, आपको जितनी भी चीजें मिली है उसको यदि आप व्यर्थ गंवाते हो वहां आपका थकना होता है, और उसका यदि आप सदुपयोग करते हो तो वहां भीतर से आपको आनंद मिलता है। मैं तो कई बार कहता हूं, आप होटल में जाकर के 5,000, 10,000, 15,000 की डिश खा लो, आप कोई अच्छी होटल में गए, 5-star होटल में गए, वहां आपने ऑर्डर किया, 10,000, 15,000 की डिश थी आपकी, आपने भोजन कर लिया, आपके परिवार को साथ में लेकर गए, सबको आपने भोजन करवा लिया, लेकिन वहां 15,000 खर्च करके जो आपको आनंद नहीं मिलेगा, कोई गरीब के हाथ में 150 रुपए की आप डिश दे दोगे, उसको कुछ खाना दे दोगे, उसको कुछ खाना खिला दोगे, वहां आपको आनंद 150 में ज्यादा मिलेगा। चीजें जब भी व्यर्थ जाती है वो हमारे लिए शोक करने वाली होती है, और चीजें जब भी सार्थक में यूज हो जाती है वो हमारे लिए आनंद बनाने वाली होती है, वो हमारे लिए आनंद को पैदा करने वाली होती है। क्यों आज का व्यक्ति ज्यादातर शोक में रहता है? क्योंकि ज्यादातर चीजें आपकी व्यर्थ जा रही है, वेस्ट जा रही है, और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझ लेना, जीवन अद्भुत है, जीवन में मिली हुई चीजें अद्भुत है, एक एक चीज आपको अद्भुत मिली है, जब तक ज्ञान न होगा तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, और जिस दिन आपको ज्ञान हो जाए, जिस दिन आपके भीतर में वो जीव अंदर का जाग जाए, जिस दिन आपका आत्मा जाग जाए, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि मुझे जितनी भी चीजें मिली है वो वेस्ट करने के लिए नहीं है, वो जीवन को बेस्ट बनाने के लिए। कुछ भी व्यर्थ मत करना, जरूरत हो आप उतना खुद के लिए करो, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेस हो जाएगा वो व्यर्थता आपको परेशान करेगी, वो व्यर्थता आपके जीवन में शोक लेकर आएगी, वो व्यर्थता आपके जीवन में भीतर का आनंद ले लेगी। जीवन में समझ के चलना, कुछ भी बचाया जा नहीं सकता, जीवन हम मौत के धीरे धीरे करीब जा रहे हैं, और जितने मौत के करीब जाएंगे उतनी हमारी सारी चीजें धीरे धीरे व्यर्थ होती चली जाएंगी, और इसलिए जागना, ये ज्ञान हमको जगाने का काम करता है, ज्ञान हमको जगाकर आगे बढ़ाने का काम करता है, इसलिए जागना हमारा कर्तव्य है। मैं बार बार कहता हूं कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही है, आप यहां आकर के जाग सकते हो, और कोई जगह नहीं है, और कोई योनि नहीं है, और कोई भव नहीं है, और कोई जीवन नहीं है जहां आप जाग सकते हो, ये एक जीवन ऐसा है जहां आकर के आप जाग सकते हो, और जगाएगा कौन? ज्ञान आपको जगाएगा। कौन ये बताएगा कि सदुपयोग हो रहा है या व्यर्थ में जा रहा है? आपका ज्ञान आपको बताएगा, और इसलिए ज्ञान के समीप रहे, ज्ञान के निकट रहे, तब आपको पता चलेगा कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो क्या करें, जीवन में सदुपयोग क्या करें, जीवन में व्यर्थ क्या न गवाए, ये सारी चीजें आपको ज्ञान बताती है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि दिमाग में बिठा के रखना, धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहा है, कुछ भी बचाया जा नहीं सकता। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।